हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए कार्डिगन लेकर आई हूँ। लेडीज कार्डिगन है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि ये कैसे बनेगा। अगर आप बिगनर हैं, बिल्कुल भी आपने बनाया नहीं है प्रोजेक्ट कोई इस तरह का, तो आपसे बनाना सीख सकते हैं। ये लेडीज का कार्डिगन है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे बनेगा। यहाँ से फंदे डालने से लेकर और एंड तक गला कैसे बनेगा वहां तक मैं आपको बताऊंगी, और अलग अलग साइज के लिए आपको किस तरह से फंदे लेने हैं अपने वूल के अकॉर्डिंग, और सिलाई कौन सी लेनी है, किस तरह से आप बनाएंगे उसका पैटर्न मैं सब आपको बता दूंगी। वैसे जो मैंने इसमें ये डिजाइन डाला है, ये मेरे चैनल पर मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, उसका लिंक मैं ऊपर आपको स्क्रीन पे दे दूंगी। आपकी स्क्रीन पे जो दिखेगा ऊपर, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पैटर्न मिल जाएगा। यहां पर भी मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, अच्छे से बता दूंगी कि मैंने ये कैसे डाला है, इसको एडजस्ट कैसे करना है। अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है कार्डिगन लेडीज का, तो आप यहां से शुरू कर सकते हैं जहां से मैं दिखा रही हूं आपको। सबसे पहले नीचे मैंने इसमें 60 फंदे लिए हैं, ये फ्रंट साइड है और लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड का मतलब जो आपके बाएं हाथ, बायां जो हाथ होता है उस साइड जो बनेगा। इस तरीके से अगर आप इसको रखेंगे तो ये आपका, इस तरीके से अगर आप रखेंगे तो ये आपका लेफ्ट साइड होगा। देखिए ये लेफ्ट साइड आएगा, इसमें आपके बटन लगते हैं। तो इस तरीके से जो इस साइड में आएगा, ये जो पट्टी आपकी इस साइड में आ रही है, ये जो आपका जिस साइड का है उसमें आपके बटन लगेंगे, और जो दूसरी साइड होती है वो राइट साइड होती है, वहां पे आपके राइट मतलब इस हाथ की साइड जो आपका बनेगा वो आपकी राइट साइड वाला होगा, और उसमें आपके बटन होल्स आएंगे। तो देखिए पहले हम लेफ्ट साइड बनाते हैं, क्योंकि हमें बटन कितना हमें लंबा बनाना है उसका आइडिया आ जाता है, प्लस हमें पता लग जाता है बटन अपने कितने कितने गैप में लगेंगे। अब देखिए हम ये मैं लार्ज साइज में बना रही हूं, तो लार्ज साइज के लिए आपको मैंने यहाँ पे 60 फंदे डाले हैं और प्लस 10 फंदे बटन पट्टी के। तो जब भी आप कोई भी बनाने जाते हैं कार्डिगन, तो बैक साइड में जितने फंदे होते हैं उतने के आधे आप एक साइड में डालते हैं प्लस बटन पट्टी के फंदे। जैसे मैं फ्रंट बैक साइड में मैं इसके 120 फंदे लूंगी, तो मैंने फ्रंट साइड में 60 फंदे यहाँ डाले हैं और 10 फंदे बटन पट्टी के लिए अलग से डाले हैं, क्योंकि जब आप बटन लगाते हैं तो ये पट्टी एक दूसरे के ऊपर आती है। तो अब क्या करेंगे, यहां से मैं बताऊंगी आपको स्टार्टिंग से, मैं राइट साइड में दिखाऊंगी कैसे बनाना है, मैं यहाँ पे भी दिखा दूंगी कैसे बनाया हुआ है। तो अब देखिए शुरू करेंगे। मैंने जो इसका नीचे मैंने बनाया हुआ है ये पोर्शन जो है इतना, ये मैंने 10 नंबर की सिलाई से बनाया है, और ये वूल थोड़ी सी मोटी है तो मैं ऊपर 9 नंबर से बना रही हूँ। तो आपकी जो भी वूल होगी आप उस हिसाब से फंदे लेंगे और उस हिसाब से आप सिलाई लेंगे। तो अगर आपकी वूल नॉर्मल है तो आप 10 नंबर की सिलाई से बनाइए और फंदे आप थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे। तो जैसे आपका, आप लार्ज साइज में बना रहे हैं तो आप 120 से 125 फंदे रख सकते हैं, और अगर आप एक्स्ट्रा लार्ज के लिए बना रहे हैं तो आप 130 फंदे तक यहाँ पे रख सकते हैं बैक साइड में। फ्रंट साइड में एकदम आपको उसका आधा करना है प्लस बटन पट्टी के फंदे। तो अगर आप इससे छोटा साइज बना रहे हैं, मीडियम साइज का बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे 110 फंदे लीजिए, नीचे आप 110 लीजिए बैक साइड में और फ्रंट साइड में उसके आधा कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो ये रेडीमेड लुक वाला जो बॉर्डर है, यहाँ पे देखिए कहीं भी आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा मैंने फंदे कैसे डाले हैं। तो ये जो है नीचे से इसका लुक जो होता है वो रेडीमेड आता है, जैसे आपके रेडीमेड कार्डिगन या स्वेटर में आता है इस तरीके से, आपका बना हुआ जो दुकान में स्वेटर मिलता है इस तरीके से बना हुआ आता है। तो ये इससे क्या होता है, आपका कार्डिगन स्ट्रेट रहता है। तो आप इस तरीके का बॉर्डर अगर बनाना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाती हूँ ये बॉर्डर कैसे बनेगा, प्लस आपकी राइट साइड कैसे बनेगी। तो लेफ्ट साइड के लिए क्या होता है, जब हम फंदे डालते हैं तो अगर आप नीचे से ये वाला बॉर्डर नहीं बना रहे हैं, इस तरीके का नहीं बना रहे हैं, तो जैसे आप फंदे डालेंगे तो आपकी पहली जो साइड होगी वो उल्टी साइड में आएगा, जो आपका उल्टा होता है वहां पे आपका आएगा। तो यहीं से आपको बटन पट्टी डालना शुरू करना है, उल्टी साइड से यहां से शुरू होगा, जैसे ये उल्टी साइड है तो यहां से आपकी बटन पट्टी आएगी। और जब आप इसको ऐसे सीधा करेंगे, पलटेंगे जैसे, यहां से फिर आपका सीधी साइड आएगी तो बटन पट्टी आपकी लास्ट में आएगी। यही फर्क होता है आपके राइट साइड और लेफ्ट साइड में। तो ये आपका लेफ्ट साइड हो गया, इस तरीके से आएगा।
देखिए ऐसे जब आप पहनते हैं कार्डिगन तो इस तरीके से आता है, यहाँ से आपका उल्टी साइड से बटन पट्टी यहाँ पे आएगी और सीधी साइड से लास्ट में आएगी। आप देखिए राइट साइड इसका मैं दिखाती हूँ और ये बॉर्डर कैसे बनाया है, यहाँ तक मैं दिखाती हूँ। जहां पर भी आपको बॉर्डर अप्लाई करना होगा आप कर सकते हैं। ये देखिए सिंगल धागे से फंदे डालेंगे और 70 फंदे डालेंगे। तो सबसे पहले ऐसे नॉट लगाएंगे जैसे हम फंदे डालते हुए लगाते हैं, जैसे भी आप शुरू में करते हैं इसको। 10 नंबर पे डाल रही हूँ मैं फंदे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से पूरे फंदे डालेंगे ऐसे। ये देखिए जैसे फंदे डालते हैं इस तरीके से, ये धागा घुमाया इस तरीके से, ये जो आपका अलग धागा है उस पे और जो गोले से जुड़ा हुआ धागा है वो आपका इस साइड रहेगा। और इस तरीके से पकड़ के ऐसे फंदे डालेंगे, ऐसे 70 फंदे डालने हैं मुझे ऐसे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 70 फंदे डाल लिए हैं। 70 फंदे डालेंगे तो जैसे हम इसको इस तरीके से करेंगे तो जब हम सीधी साइड बनाएंगे तो बटन पट्टी हमारी यहाँ पे आएगी, ये क्योंकि राइट साइड है। अब जब मैंने फंदे डाले तो पहली लाइन जो मेरी आएगी वो उल्टी साइड से आएगी, यही आपको ध्यान रखना है। देखिए उल्टी साइड से जब आपकी लाइन आती है तो आपकी राइट साइड की बटन पट्टी सीधी साइड में यहाँ पे आएगी। तो आप देखिए उल्टी साइड में अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पे इस तरीके से बनाने वाली हूँ नीचे से। देखिए ये जो है ये डबल बॉर्डर जो है वो बनाने वाली है। तो अब देखिए इसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले एक फंदा उल्टा बनाएंगे, उल्टी साइड है ये तो एक फंदा उल्टा बनाएंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। यही आपको पहली रो है ये उल्टी साइड में, नीचे से ऐसे करना है एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। जैसे आप बॉर्डर बनाते हैं एक उल्टा और एक सीधे का, वैसे ही आपको ये वाली लाइन करते हुए जानी है इस तरीके से लास्ट तक। इसको ऐसे ही बनाएंगे और लास्ट में क्या करना है आपको वो मैं दिखाऊंगी। देखिए इस तरीके से आप बनाते हुए जाइए लास्ट तक। एक उल्टा फंदा बनाएंगे और एक सीधा। और अगर आपको नहीं पता है तो उल्टा और सीधा फंदा कैसे होता है तो मैं बता देती हूँ। देखिए जब हम इस तरीके से बनाते हैं ऐसे और इस तरीके से लपेट के ये उल्टा होता है, धागा पीछे करते हैं और फिर ऐसे जो बनता है इस तरीके से ये सीधा होता है। तो जब भी उल्टा और सीधा फंदा है तो आप इसी तरीके से बनाएंगे, उल्टे में इस तरीके से और सीधे में धागा पीछे करके और इस तरीके से लपेट के। तो सारे लाइन को मैं बना देती हूँ एक उल्टा और एक सीधा। आप देखिए लास्ट में जब आप आएंगे इसके तो एक फंदा जैसे आपने उल्टा बनाया ऐसे, दूसरा फंदा भी आपको लास्ट का उल्टा ही बनाना है क्योंकि यहाँ पे आपकी बटन पट्टी आएगी तो उसका जो लुक है वो यहाँ पे अच्छा आ जाता है। आप देखिए ये जो सेकंड रो है ये इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिए। एक फंदा हम उतारेंगे ये वाला और अब इस फंदे को ऐसे सीधा बनाया, फिर देखिए जो उल्टा फंदा है धागा आगे करके उसको उल्टा बुनना है, फिर धागा पीछे करेंगे। अब जो सीधा फंदा है इस तरीके से धागा पीछे करना है और सीधा जो फंदा है उसको इस तरीके से आपने सलाई घुमा के पीछे ले जानी है और इसको ऐसे उतारना है बैक साइड से और आगे लाना है और फिर इस पे उतार के इसको सीधा बनाना है इस तरीके से ऐसे। जो उल्टा फंदा है वो उल्टा ही बनेगा ऐसे।
ये देखिए धागा पीछे करेंगे, ये सीधा फंदा है, इसको इस तरीके से उतार के लाएंगे और आगे लाएंगे ऐसे, यहाँ उतार के इसको सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, सीधे फंदे को, ये देखिए ये जो आपकी सिलाई है इसको आपने यहाँ से ले जाना है पीछे और इस फंदे को उतार के ऐसे यहाँ आगे लाना है और यहाँ उतार के इसको सीधा बुनेंगे ऐसे, धागा आगे एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, ये जो फंदा है सीधा वाला उसमें आपने नीचे से सिलाई ले गए ऐसे, देखिए कुछ भी नहीं करना है इसमें, देखिए बहुत मुश्किल नहीं है, ऐसे ले गए ऐसे और ये उतार के ऐसे वापस ले गए, फिर उतारा इसको और ऐसे सीधा बना दिया जैसे आप सीधा बनाते हैं इस तरीके से, फिर धागा आगे एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, इसको ऐसे ले गए यहाँ से लाए और इसको सीधा बना दिया, बस सीधे फंदे में ही करना है, उल्टा फंदा आपको उल्टा बुनना है, फिर धागा पीछे, इसको ले गए ऐसे यहाँ से उतार के लाएंगे ऐसे और आगे लाके सीधा बना देंगे इसको ऐसे, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे ऐसे ले गए यहाँ से, ये देखिए आपको सिंपली आपको इसको मोड़ना है बस, यहाँ से देखिए आपको यहाँ ले जाना है ऐसे पीछे और यहाँ से नीचे से इसको ऐसे ट्विस्ट करके लाना है और ऐसे, धागा आगे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, यहाँ ले गए, कुछ भी नहीं करना है, मतलब ज़्यादा आपको इसमें मोड़ना नहीं है इसको, सिलाई को सिर्फ नीचे से सिलाई डाल के यहाँ ले गए और इस फंदे को सिर्फ बैक साइड से आपको ऐसे उतार के आगे को लाना है और यहाँ उतार के इसको सीधा बना देना है, बहुत ईजी है ये, बहुत ईजी वे है इसको डबल करने का, यहाँ ले गए ऐसे उतार के यहाँ लाए और ऐसे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, सिलाई आपने इस तरीके से पकड़ के रखनी है, यहाँ ले गए इसको उतार के लाए, देखिए इस तरीके से ऐसे, फंदे को ही आपने ट्विस्ट करके आगे लाना है, मतलब यहाँ से उतार के, नॉर्मली हम ऐसे उतारते हैं लेकिन आपने नीचे से सिलाई डाल के ऐसे लाना है और ये पूरी लाइन में ऐसे ही करते हुए जाएंगे, उल्टे फंदे को नॉर्मली उल्टा बुनेंगे और सीधे फंदे को ट्विस्ट करके लाएंगे, बस यही करना है और लास्ट तक ऐसे ही बनाते जाना है इस लाइन को, देखिए मैं इसको बना के दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए लास्ट तक मैंने इसको इसी तरीके से बनाया है और लास्ट में एक फंदा आपका उल्टा आया और लास्ट के फंदे को सीधा बनाएंगे ऐसे। अब इसके बैक साइड की लाइन, ये हमने सीधी साइड में बनाया, अब बैक साइड में इसका एक उल्टा और एक सीधा नॉर्मली बनाएंगे, देखिए एक उल्टा और एक सीधा, फिर एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी वैसे ही आपने ये थर्ड रो भी बनानी है इसकी उल्टी साइड में, एक उल्टा और एक सीधा ऐसे। ये देखिए एक सीधी एक उल्टी की लाइन बनाने के बाद ये इस तरीके से दिखेगा। अब आप इसको जितना ऊपर बनाना चाहते हो, जितना चौड़ा आपको बॉर्डर चाहिए उतना आप इसको एक उल्टा एक सीधा बना सकते हैं। मैं एक लाइन इसमें और बनाऊंगी, ये सीधी साइड में आ गए हम इसमें, ये देखिए ये सीधा है, एक उतारने के बाद ये सीधा है और ये उल्टा, फिर सीधा फिर उल्टा फिर सीधा और फिर उल्टा, और ये पूरी रो में इसी तरीके से लास्ट तक बना लेती हूँ। सीधी साइड में इस वक्त रो नंबर 4, इस तरीके से इसको खत्म करेंगे बना के। ये देखिए 4 लाइंस हो गई हैं इसकी और अब मैं यहाँ पे ये लाइन पूरी उल्टी करूंगी, उल्टी साइड में है 5वीं रो है, इसको पूरा उल्टा करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना है, सारे फंदों को आपने उल्टा उल्टा ही बनाना है ऐसे,
क्योंकि मैंने जो बटन पट्टी है वो भी मैंने उल्टे की डाली है। यहाँ पे देखिए ये मैंने तीन लाइन डाली है उल्टे की, 1 2 3, तीन यानी 6 रो है ये, तो तीन लाइन ये ऐसी दिखेंगे आपको जो ये उल्टी बनी हुई दिख रही है। तो यही अब हम इसमें डालने जा रहे हैं इस तरीके से। इसको पूरा उल्टा बुन के लास्ट तक कंप्लीट करेंगे ऐसे ऐसे, देखिए दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाएंगे 6 लाइन। ये पहली उल्टी साइड से होगी, अब दूसरी जो है वो सीधी साइड से आएगी। लास्ट के दोनों फंदे हम उल्टे ही बुनेंगे, देखिए अब क्योंकि सारी रो हमने उल्टी बनाई है तो वो तो उल्टे ही आएंगे। अब अगर आप इसके ऊपर भी बनाना चाहते हो तो आप इसी तरीके से उल्टा सीधा बना सकते हो, लेकिन मैंने उल्टी लाइन डाल दी है। अब मैं सीधी साइड से भी उल्टी लाइन डालूंगी, तो ये उल्टी लाइन की मेरी सेकेंड रो है, तो ये देखिए सेकेंड है, फिर उल्टी साइड से थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 लाइन हम इसी तरीके से डालेंगे उल्टी उल्टी, दोनों साइड से उल्टा ही बुन रहे हैं इसको, क्योंकि हमें इस तरह की लाइन चाहिए इसमें। तो इसमें 4 लाइन्स और डाल दूंगी, ये सेकंड रो है, इसके बाद 4 और डालनी है दोनों साइड से मुझे उल्टी उल्टी, और उसके बाद हम इसका डिजाइन शुरू करेंगे और बटन पट्टी भी साइड में चलती रहेगी। ये देखिए 6 लाइन्स मैंने इसमें बना ली है, ये वाली इस तरीके से 6 लाइन्स है। ये देखिए ये उल्टी उल्टी सीधी साइड में आ गया अब इसके, क्योंकि उल्टी साइड में ये बन के ओवर हुआ है। अब देखिए इसकी सीधी साइड में है, तो सीधी साइड में अगर आप रखोगे तो आपका लेफ्ट साइड यहाँ आएगा और ये राइट साइड इधर आएगा, और अगर आप इस तरीके से जब इसको पहनते हैं तो आपका लेफ्ट साइड इधर आता है और राइट साइड इधर आता है इस तरीके से। इसमें आप बटन होल्स बनाएंगे तो ये इसके ऊपर से इस तरीके से आएगा ऐसे। तो अब देखिए यहाँ पे ये 10 फंदे बटन पट्टी के हैं, तो यहाँ पे सीधी साइड में यहाँ पे बटन पट्टी आएगी, ये राइट साइड बना रहे हम, ये देखिए दाई साइड है ये, तो यहाँ पे बटन पट्टी के 10 फंदे बनाएंगे। अब आप डिजाइन जो भी डालना चाहते हैं आप इस लाइन से आगे डिजाइन डाल सकते हैं, चाहे तो मेरे चैनल में भी बहुत सारे डिजाइन है वो भी डाल सकते हैं, ये वाला भी डाल सकते हैं, कोई भी जो भी आप डालना चाहते हैं। तो ये उल्टे फंदे बनाऊंगी एक उतार के, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 फंदे बटन पट्टी के मैंने बना लिए यहाँ पे, और यहाँ पे एक बटन होल भी आएगा इसके जस्ट बाद वाली लाइन में, यहाँ पे मैं एक बटन होल भी डालूंगी। अब देखिए आपको फंदों को कैसे एडजस्ट करना है, अपने डिजाइन के हिसाब से फंदे डालेंगे। ये जो डिजाइन है ये 9-9 के मल्टीपल में बनता है, 9-9 फंदों के मल्टीपल मैंने किए तो 54 फंदे हो रहे हैं मेरे, उसके बाद मेरे पास बचेंगे 6 फंदे, तो 6 फंदे में से 2 फंदे मैंने इस साइड रखे हुए हैं और 4 फंदे इस साइड रखे हुए हैं। तो ये एंड है, देखिए यहाँ पे जो बटन पट्टी के पास है वो 2 फंदे एक्स्ट्रा हैं, तो यहाँ से जब मैं बनाऊंगी, जब मैं राइट साइड बनाऊंगी तो उसी तरीके से मेरा आना चाहिए, ये पूरा इक्वल होना चाहिए इस साइड भी और इस साइड भी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एक साइड ज़्यादा फंदे हो गए ये आपका डिज़ाइन यहाँ पे अधूरा रह गया, लेकिन आपका इस तरीके से बनना चाहिए, दोनों साइड आपके एक जैसे आने चाहिए, एक्स्ट्रा फंदे आप यहाँ पे किनारे पे रख लीजिए। तो मैंने यहाँ पे 2 फंदे यहाँ पे रखे हुए बटन पट्टी के पास में, तो मैं 2 ही फंदे रखूंगी यहाँ पे। अब देखिए कैसे करेंगे इस डिज़ाइन को, जब आप शुरू करते हैं चाहे आप यहाँ से शुरू कीजिए चाहे आप यहाँ से शुरू कीजिए, एक जैसा ही बनेगा। तो देखिए कैसे करेंगे, 1 फंदा मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा रखा हुआ है, इसको मैं बनाऊंगी इस साइड से ऐसे, और अब 1 फंदा बनाएंगे, ये देखिए 1 और 2, बटन पट्टी के फंदे उल्टे हैं
और जो मैंने यहाँ पे फंदे एक्स्ट्रा बनाए हैं वो दो फंदे मैंने यहाँ पे ऐसे बना लिए हैं। अब धागा आगे करेंगे, इस फंदे को ऐसे टर्न करेंगे, बैक साइड से दो फंदों का एक करेंगे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि आगे मैंने डिज़ाइन को कैसे एडजस्ट किया है। लास्ट में मेरे यहाँ पे तीन फंदे चार फंदे एक्स्ट्रा आ जाएंगे, वो मैं आगे करके दिखाती हूँ। तो ये जो डिज़ाइन अगर आप यही बनाना चाहते हैं तो ये नौ नौ के मल्टीपल में बनता है। नौ नौ फंदों के आप मल्टीपल कीजिए, साइड में आपको दो फंदे रखने हैं, एक इस साइड एक उस साइड। और अगर आपका आपने 60 फंदे डाले हैं जैसे मैंने डाले हैं तो आप 10 फंदे बटन पट्टी के बना लीजिए, 70 फंदे हैं तो 60 आपके इधर हैं, 10 बटन पट्टी के हैं। तो ये बना ली उल्टे उल्टे की, फिर दो फंदे मैंने यहाँ पे रख दिए एक्स्ट्रा। अब धागा आगे करके दो फंदों का एक करके पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे सीधे बनाए, फिर दो फंदों का इस तरीके से आगे से दो का एक किया, फिर धागा आगे इसको टर्न करेंगे ऐसे, फंदे को सीधा करेंगे और दो का एक, फिर पांच फंदे सीधे, ऐसी ये पूरी लाइन को करते हुए जाना है, चार और पांच, फिर आगे से दो का एक ऐसे, फिर धागा आगे इस फंदे को ऐसे करेंगे, लास्ट में इसको ऐसे बनाएंगे दो का एक, फिर पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच, फिर दो का एक करेंगे फ्रंट साइड से, फिर धागा आगे, जितने भी फंदे आपने लिए होंगे नौ नौ के मल्टीपल में लास्ट तक ऐसे ही करते हुए जाएंगे। दो का एक किया, अब पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच, फिर दो का एक फ्रंट साइड से, फिर धागा आगे फंदे को टर्न करके लेंगे, बैक साइड से दो का एक करेंगे, पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच, फिर दो का एक फ्रंट साइड से, फिर धागा आगे बैक इस तरीके से इसको सीधा करके बैक साइड से दो फंदों का एक करेंगे और पांच फंदे, एक दो तीन चार पांच। अब आपके पास लास्ट में पांच फंदे बचेंगे, देखिए ये दो का एक किया, सॉरी यहाँ पे चार ही फंदे बने हैं, एक दो तीन चार, एक और बनाएंगे, पांच, फिर फ्रंट साइड से दो का एक करेंगे, इस तरीके से आपका डिजाइन बनेगा। लास्ट में आपके पास ये चार फंदे बच जाएंगे अगर आपने 60 फंदे ही डाले हैं तो। यहाँ पे हम धागा आगे करेंगे और चार फंदे सीधे बना देंगे, एक दो तीन चार, ये इस तरीके से आपका डिज़ाइन बनेगा। अगर आप यही वाला डिज़ाइन बना रहे हैं तो इस तरीके से ही एडजस्ट होगा। आप जो भी डिज़ाइन बना रहे हैं आप इसी तरीके से फंदों को डिवाइड कीजिए और जैसा आपने यहाँ बनाया होगा वैसे ही आप इधर से भी बनाएंगे। देखिए मेरे यहाँ पे दो फंदे हैं सीधे, तो यहाँ से भी मैंने दो ही फंदे सीधे रखे हैं और जब ये बनेगा तो इसका लुक एक जैसा लगेगा दोनों साइड का। अब जो ये डिज़ाइन है इसकी जो उल्टी रो है वो पूरी उल्टी ही आएगी और उल्टी रो के लास्ट में बटन पट्टी के फंदे हैं तो इसलिए मैंने उल्टे ही रखे हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो इनको इस पूरी लाइन को उल्टा बनाएंगे एंड तक ऐसे, जो आपने जालियां डाली हैं वो भी उल्टी ही बनेंगी। ये डिज़ाइन मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, मैं उसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगी स्क्रीन पर, आप वहां से देख लीजिए, वहां से आपको पूरा डिज़ाइन इसका मिल जाएगा।
ये देखिए लास्ट में आपके बटन पट्टी के फंदे हैं, तो ये भी दोनों साइड से उल्टे ही बनेंगे, इसलिए मैंने उल्टा बनाया। देखिए सारे फंदे उल्टे बने। अब क्या करेंगे, जो बटन पट्टी आप बन रही है आपकी, उसमें आप पहला फंदा तो सीधा उतारेंगे, इससे आपका ये जो एज में स्मूथनेस आएगी। अब धागा आगे करके 9 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, ये देखिए 2, 4, 6, 8, 9 और 10, इस तरीके से बनाया। अब जो एक फंदा यहाँ पे है, आपने 2 फंदे सीधे बनाए होंगे, पहला वाला फंदा हम ऐसे उतारेंगे, इससे क्या होगा ये सीधी लाइन आएगी। उसके बाद का जो फंदा है उसको सीधा बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा डिजाइन बन रहा है जाली वाला भी सीधा। अब देखिए इस तरीके से आपका दिखेगा लुक। देखिए इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो कोई और डिजाइन डालिए यहाँ पे बटन पट्टी में, कोई और डिजाइन रख सकते हैं, और ऐसी बनाना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप बना सकते हैं। और अगर आपको ये डिजाइन दोबारा से देखना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। और आगे जो भी इसके पार्ट बनेंगे, मैं वन बाय वन सारे पार्ट्स को अपलोड करती रहूंगी, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसके बाद मैं सारे जो वीडियो हैं वो इसी वाले कार्डिगन के डालूंगी, जिससे कि आपको आसानी से ऐसे वीडियोज मिल जाएं। तो जो भी आपकी क्वायरी होंगी इस वाले पार्ट से रिलेटेड जो भी होंगे, आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं सारे का जवाब देने की कोशिश करूंगी और आगे वीडियो में बताती जाऊंगी कि आपको जो भी मुश्किल आ रही है उसको कैसे सॉल्व करना है। तो इस तरीके से बनाइए। और बटन होल भी आगे मैं, क्योंकि पहले मुझे ये लेफ्ट बनाना है, उसके बाद में बटन होल का आइडिया मुझे आएगा, तो मैं उसके बाद ही बटन होल डालूंगी इसमें और आपको भी बताती जाऊंगी। तो जितना भी डिटेल में मैं बता सकती हूँ, मैं अगले वीडियोस में बताती जाऊंगी, और आप देखते रहिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन फटाफट से मिल सके। तो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में इस कार्डिगन के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।